स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में इन दिनों फिर से हो चुका है बड़ा बवाल, क्योंकि रुद्राक्ष और प्रिशा के साथ साथ यहां पर रूही की जान और सारांश की जान भी खतरे में पड़ चुकी है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सारांश और रूही के हुए संग हादसे के बाद में रुद्राक्ष प्रिशा को बिल्डिंग के पीछे बुलाएगा, जहाँ पर प्रिशा आकर के देव को चेक करेगी और रुद्राक्ष को बताएगी कि देव की तो मौत हो चुकी है। रुद्राक्ष और प्रिशा यहाँ पर देव की डेड बॉडी छुपाने के लिए रेवती की कार के डिग्गी में उसकी लाश डाल देंगे और जैसे ही वो डिग्गी बंद करेंगे पीछे से रेवती आ जाएगी और कहेगी कि क्या मैं तुम दोनों को कहीं ड्रॉप कर दूँ। यहाँ पर प्रिशा कहेगी कि नहीं, एक्चुअली हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो हमने टैक्सी बुलाई, हम चले जाएंगे। लेकिन रेवती के यहाँ फोर्स करने पर रुद्राक्ष और प्रिशा को जाना पड़ेगा और यहाँ पर रुद्र कहता है कि चलो प्रिशा हमें चलना पड़ेगा। प्रिशा घबराई हुई होती है, वो कहती है कि तुम्हें पता भी है ये हो क्या रहा है, देव की डेड बॉडी कार के पीछे है और तुम इसकी कार में जा रहे हो बैठने। तभी रुद्र कहता है कि इसे हम पे शक ना हो और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, हमें जाना ही होगा। और जैसे ये सब कुछ बैठ करके जाते हैं, यहाँ रास्ते में नाकाबंदी चल रही होती है और चेकिंग चल रही होती है। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं कि कार की डिग्गी खोलिए, हमें चेकिंग करनी है। और रेवती जैसे ही कार की डिग्गी खोलती है पीछे से पुलिस वाले चिल्लाते हैं कि सर जल्दी से यहाँ आइए, देखिए यहाँ क्या मिला है। और रुद्राक्ष और प्रिशा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या वाकई में रुद्राक्ष और प्रिशा पकड़े जाएंगे और यहाँ पर देव की मौत का इल्ज़ाम सारांश या फिर रुद्र प्रिशा पर आएगा। ये सब कुछ देखना होगा, काफ़ी दिलचस्प। लेकिन फिलहाल ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।